भाई साहब आपसे बात करिए, आपने बात कही कोठी में शोषण कर रहे हैं जिंदाबाद।
ਖੱਟਰ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਛੱਡੀ ਕਾਲੀ ਕੁੱਤੀ ਕੰਨ ਕੱਟੀ ਖੱਟਰ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਛੱਡੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਜੈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੇਖੇਂਗੇ ਇਤਨੀ ਲੰਬੀ ਜੈ ਹੈ ਤੇਰੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕੀ ਗੋਲੀ ਖਾਏਂਗੇ ਆਗੇ ਬੜੇ ਜਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋ ਵਾਪਿਸ ਲਓ ਵਾਪਿਸ ਲਓ ਵਾਪਿਸ ਲਓ ਰੁਕਿਆ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੋ
साज है का कोई का उसका कोई भी एक भी बंदा नहीं आया उसे क्यों बात पर ये कोई नहीं पूछने के रिपोर्ट बैठ जा सुन जल्दी भाई गुटके का से बैठे इनका रोजगार से जा रहा एक भी बंदा नहीं आया कोई पीए आया हो सरकार का कोई भी एक आदमी आया हमारे पास धमकी देने जरूर आए ये हम बात करने नहीं जानते आज तक 40 दिन बैठे ना होगा कर्मचारियों ने एक भी बंदा का पीए आया होगा कोई आपके जो भी गले लग रहे इनमें आया हो और ध्यान में नहीं है एक और बात लगी बोलते वहाँ खुद एसीएस से बात करके ना यूएलबी डिपार्टमेंट में इतने दिन हो गए कर्मचारियों की तनख्वाह का क्या चक्कर है इसकी कितने दिन हो गए बच्चा ने आप लोग बता दो कितने दिन हो गए बच्चा ने अरे एक और बताओ आप खुद में भी मार था मेरी खुद तबीयत खराब थी बड़ी मुश्किल आ था इसमें भी दशहरा प्रोग्राम है इसलिए आया मेरे तीन तो मेरे इंजेक्शन ला दे पेन किलर तब आया था मैं भाई साहब है आपसे बात करिए आपने बात की कोठी में शोषण कर रहे हैं कर्मचारी जन के साथ मैं गए फिर आप शोषण में रोको ना 5,000 रुपया में काम करने लग रहे आपने कही थी भाई साहब ये बात आपकी चोली भरी है जी वोट नहीं जमा ललकार का वोट दिए इधर आगे दिन देखो नहीं वोट वोट को कर देवा जुम्मे आप सुनते नहीं जी 5,000 रुपया में आपने काम करवाया जी आपने शोषण करे इन आदमियों का 7,500 भाई साहब ऐसे है सुनो यार सुनो मेरी बात सुनो जी एक मिनट जाओ आप लोगों ने इतने बंदे लगाए मन एक है जो सफाई का काम है सफाई का काम मेरा समाज मामे करा भाई आप एक दूसरा को और मैं जो क्योंकि 5,000 रुपया में किसका के गुजारा 50,000 रुपया भी गुजारा करना मुश्किल हो जाए जवाब तो मैं देना मना तो इसलिए उसने यही कहा था मैंने बंदे नहीं मैंने लगाए थे मैं तेन तो लागना तो अपने समाज के बारे में क्या ना है लेकिन जो 50,000 रुपये का काम है 5,000 रुपये क्यों कंपटीशन क्यों करो था आपसदारी में एक दूसरे के लात मारो जवाब ले रहे जी गलत है 65 आदमी दे दिए 130 आदमी किसने करे जी फिर मैं और किसके सिफारिश लगा जी बताओ मेरी सिफारिश के कार्ड मैं बताऊंगा जी बताओ एक बालक काम नहीं करता और सुपरवाइजर उसने खेच के अनुभव 3% लगाऊंगा आपके पीए फोन आओ तो 10% लगा है तो बताऊंगा तुम 3,000 के हैं सुपरवाइजर मौके पे नहीं मेरी बात सुनो मैं आपके जवाब का मैं दूंगा रिप्लाई कोई नाम से 1 घंटा लाओ 2 घंटा लाओ आप ये कह रहे पानी पे रहे पानी पे कोई एक लगा दिया नहीं भाई अगर कोई ये कहता कि भाई मेरे आप सेट लाने लग रहा है अगर 5,000 तो पहले भी आप सेट लगा और पैसे को खाने लग रहे काम पत्र वाले से लाए भाई साहब लेकिन 140 बंदे बैठे हैं इनकी कोई भी सुनने नहीं आया आज तक भी दरी मैं आपको बता हूँ कि मैं खुद भी बीमार था और बल्कि 2 बराबर के दिवाली में भी ये भी विश्वकर्मा डे पे इसलिए प्रोग्राम पहले दिया गया था और ये मैं जाते ही और प्रोग्राम करते मैं आपके बीच में आया हूँ आज की मेरी यही बात हो रही थी प्रधान जी में बैठा था वहाँ विशाल में
अपने परिवार में होना किसी का दो रुपया कर मन जाएगा कट्टा बना लेगा खुद यार मैंने प्रधान मैं ज्यादा मतलब उसमें बात नहीं करता मैंने खुद मेरा था मन जाकर खुद बात करी है ईओ से मेरी बात हुई है मेरी एसडीएम से बात हुई और इसे जो एसीएस है हमारे जो ये अरुण गुप्ता जी उनसे मेरी बात हुई है वहाँ जल्दी से जल्दी समाधान कराओ जिनका विधायक जी ने रात बात करी ने बोला फेसबुक पे प्रधान खुद झाड़ू ठहरा समाधान करने के लिए बैठना शर्मा ने चीज झाड़ू शर्मा ने चीज मैं भी एमसी हूँ तुम्हें झाड़ू लेगा जब मैं मार आया कहा मेरी सुनो जी अमरजीत है यह जो सैंक्शन नहीं आ रही इसके लड़ने में कितना टाइम लगा करके प्रोसेस हुआ है चेयरमैन को ले रखी है सरकार से मांग कर रही मैं शुक्रवार बोला किसी जनसी को दिया गया अगर दिया तो जो बंदे लग रहे हैं जो आगे के काम कर रहे हैं उन्हें को रखो और वो जितनी तनख्वाह मांगे उनको तनख्वाह दो चेयरमैन तो डंक ही चोट पर नुका जी बोला जितने उरे बैठे तो लांदा ही नहीं मैं सारी चलनी चाहिए देखो पहला जो वक्त बनता है जो लग रहा है उनका ठीक है जितने में यही बोल रही जो पहला जिसका रोजगार लग रहे हैं उन्हें भी अलग हो और जो सरकार ना जो डीसी रेट या जो लेबर रेट जो भी रेट दे रखे हैं वो इनको तनख्वाह मिलनी चाहिए उसके बाद अगर जो नगर परिषद की रिक्वायरमेंट है रखने की कर्मचारी सिपाही कर्मचारी जो भी रखना है जितने कर्मचारी काम कर रहे थे उनका ठेका खत्म होते है एक भी नाकल ना ईओ ने एक लेटर लिखना है ये बताओ ये जितनी प्रोसेस है ना ये सारे जो यहाँ बैठे ये गड़बड़ इसीलिए अपना घर भी नहीं पकड़ो जी भी हुआ था ना ये मामला पीछे भी हुआ था मेरी से मामला भाई इतनी खड़का हुई थी मैंने ये उस टाइम डी एम सी थी गायत्री लावत और एस डी एम था सुरेंद्र बेनीवाल भाई तुम्हारा जो प्रोसेस है जब कर्मचारी आगे लग जाएगी भाई इनका एक महीना रहेगा तो तुम्हारा ये बनता है कि एक महीना सेक्शन लेकर ये रिपोर्ट करना सेक्शन ले कैसे जाऊंगी वो थोड़ी मैं जानकारी बताना चाहूंगी आपने एक महीना पहले ईओ लेटर लिखेगा भाई इतने कर्मचारियों की तनख्वाह देने में हमारी नगर पालिका सक्षम है उस पे ईओ कर प्रधान के साइन होकर ना डीएमसी के पास लिख देगी और वहाँ से एक मिनट में लग दीजिए वो अप्रूवल दे भेज देते हैं ये प्रोसेस है और इसमें प्याज जनता बैठा ना यही प्रोसेस है हाँ जी लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो यहाँ का जो प्रशासन है ना उनमें गड़बड़ हो तो इस बात का आप लोग है मेरा कि जो यहाँ का नगर परिषद का सिस्टम है और जो यहाँ जो अफसर रहे हैं तो इस तरह आप भी किसी एच आर जनाब आपको अगर प्रधान जी अगर आपको पता हो इस बात का एच आर एम के अंदर सुरेश चौहान ही स्टैंड कर रहा था एच आर एम के अंदर मन्ना वहाँ दो दिन बैठ कर सेक्टर 17 चंडीगढ़ वहाँ मना बैठकर तब इनके नाम चेंज कराए नाम था इसलिए वो टेंडर और कुछ भी नहीं लग पा रहा सच्चाई का ही ये और जब जब मैंने बैठा था देसी इसको मैंने टाइट करा भाई ये गड़बड़ हो गई तेरे ये काम तेरा है सरकार का तू अगर इसको मार फोन कर जब तो कह रहे थे वो ऑफलाइन मोटर हो रहे हैं भाई हमारे ऑनलाइन होते हैं ऑफलाइन हो रहे तो आप ऑनलाइन करो इसको तुम करो हम तो नहीं कराएंगे ये तुम्हारा काम है तब जाएगा फिर उसके क्या सुरेश चौहान के कटवा कर फिर उसके स्टैंड उसके ऑर्डर कराए फाइल कराए फाइल ऑर्डर कराए फिर कराए इसके सुरेंद्र सोनी के आए फिर वो स्टैंड कर गया
वो करने बाद फिर बुक लगा फिर कर रहा था मशीन बुक लगा ई पार्क का जो ये नया यू आया है ई बिस का नाम कराया है बिस संग के पता कर सकते हो। अच्छा कौन सी योगी कमी रही थी परिश में किसी योने लेटर नहीं लिखा यू लेटर तो उन्होंने लिया था लेकिन डीएमसी की कमी थी उसने भेजी कौन जी उसने एक ने भेजी थी एक ने भेजी थी दूसरे इसने इसको मैंने कहा मैं देवेंद्र आया जो कर्मचारी टाइम पे काम नहीं करता उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए फिर मैं ई डीएमसी और ईओ सस्पेंड ये होना चाहिए नहीं ये मैं बताता हूं डीसी बैठा था उस टाइम उसी चौटाला बैठा था जिंदगी बात है ये मैं बोला इसको गायत्री ना बता दी दिया डीएमसी मैं इसके गेस्ट को लेके दे क्यों नहीं कार्रवाई करती लेकिन मेरे से ऊपर भी तो और भी मगरमच्छ बैठे हैं तो उसी मेरे काम करने में टांग अड़ा मैं लेकिन और बहुत बैठे है ना और मेरे पास पड़ा है व्हाट्सएप भी दिखा दूंगा आपको डेट कब तक आ जाएगा ये लेटर ये तो हो गया तब दिन में भी दिन में बिना घर सेंटीमीटर कह रहे सुबह बात कौन कह रहा बारिश सरकार कुकर आया मैं तो ऐसे समाज तो मेरे माँ भी तो रहे काम करे निमाम भी तो सारा समाज में रहा इसकी पता नहीं स्थिति का देखो जी पहले सुध लेनी चाहिए जी अब तो आपका ये बनता था सही जब ऐसे का फोन पे किसी आपके नुमाइंदे ने भेज दिया मैं रामनाथ ने भेजा हूँ बताओ ये मैं कैसे बात मान लू आपकी प्रशासन की जो कार्रवाई डीएमसी और डीसी डायरेक्टर इनके लगातार मैं उनके मेंबर उनके टच में रहा और ये जाकर मैं तब जाकर कराया इसमें काम में बहुत अड़चन आ गई जमा लड़का वोट दिए आप जिम्मेवार लोग हो अच्छा किसी ने दिया ध्यान दिया जब आप एक बार जिता दिए तो सब क्या हो गया बिल्कुल जी बिल्कुल मेरा तो पूरा नरवाना हल्का की जनता ने बिल्कुल आप लोगों का मामा स्टेट बॉडी में भी मेरे को कहते हैं प्रधान जी आपका मैं बैठे ये आप लोगों का एक बार के बीच में आता है तो आप कह रहे हो कह रहे हो तो मैं जा रहा हूं हम लोग ऐसे था भाई मैं आ रहा बीच में आने वाला मैं लेकिन बात नहीं चलाता कोई बात नहीं भाई करता उलाले भी नहीं जो आपको भी नहीं कह दी प्रधान जी जो इसको गाइड करने वाले आदमी है ना वो उसको गलत उसमें दिशा में दिखा रहे हैं मैं गाइड करने मुंह पे खाने वाले आदमी है कोई गाइड करो या ना मेरी बुद्धि काम नहीं करती है मेरी काम करती है पर समाज में आप भाई साहब बीच में आए समाज के बीच में आए तो आए को नहीं तो काले समाज के बीच में है और के समाज से बाहर थोड़ी है आज आप बीमार हो जाए ना ना मैं बताऊंगी असली एक बिना ज्यादा बीमार है उसमें तो हम कुछ नहीं कह सकते उसका क्या पता था हमारे सरकार गल्ला और पार्क की लड़ाई है तो पी रोल बस हम इन कर दे चलो ऊपर किया जो लेवल किया सरकार से ये आप लोगों में रहो प्रधान जी ने मेरा पूरा हरियाणा में जींद जिला के नरवाना के एमसी जो कमेटी के जो कर्मचारी लगे जरा सफाई कराएंगे ठेकेदार पत्ता लेटर में ठेकेदार पत्ता में क्योंकि भाई समाज का शोषण होता है हर तरह से शोषण खत्म तो पूरी शोषण में तो एक बात तो कल्ला में सरकार
मेरी कोशिश रहे प्रयास कर सके प्रयास करो मार रहूंगा सारी सरकार 90 में 40 या 50 जितने भी विधायक सीएम मंत्री को सबका पावर है फिर भी इतना टांका ना हो लेकिन हो रहा नहीं है तू ऐसे नहीं हो रहा है एक चीज पूछना चाहूंगा अपनी बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो में ये था कि हम ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल नहीं चाहते बंद करेंगे अगर हमारी सरकार आई तो उसके बावजूद ठेकेदारी प्रथा रेगुलर चल रही है और विधानसभा का जब भी सत्र आपका चला है उसमें आपकी कहीं स्टेटमेंट नहीं आती जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कि जी अपने मैनिफेस्टो में जो चीज सुनो सर पूरी उसके ऊपर हम अमल क्यों नहीं कर रहे एक बार अनिल विज की आई थी बस और किसी एमएलए एमपी की इसके ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं आती विधानसभा की रिकॉर्डिंग सारी आपको दे दूंगा एक मैं एक ऐसे विधायक हूँ पूरे 90 जिसमें विधानसभा में ये सेशन में आवाज उठाई कि भाई जो ये आउटसोर्सिंग है ठेकेदारी प्रथा खत्म करी है और जो ये कौशल रोजगार निगम सरकार ने बनाया है इसमें बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है इसमें ना जिस तरह और हमें जैसे रिजर्वेशन है इसमें रिजर्वेशन दो और ताकि इनका और जो इनका इनको मिल सके ये आप जैसे रिकॉर्डिंग कटवा कर सुन उसको मिले और 20-22% उस बात को लेते हुए हार्ड ऑन कंप्यूटर में सरकार ने दे भी दी ही फिर सेशन होगा उसमें फिर मेरे अपने जो क्वेश्चन उठाया था मैंने उसका रिप्लाई मांगूंगा बेस में क्यों नहीं दे अगर इसमें देखते हैं सारा जितने भी हरियाणा प्रदेश के जितने भी हैं कोई भी महकमा हो जो किसी भी तरह का है तो उसको भी उनका पूरा मिले और रही बात जितने सफाई कर्मचारी हैं कमेटी के जितने लगे हैं वो भी सारे इसी के अंदर जितने भी पोर्टल पर डालकर इनका भी राइट दो ये जो काम है ये है डीडीओ का ये डीडीओ ये मिली जुली घर में ठेका एक छोड़ दी सस्ता दे दी एक आदमी को ठेका दे दी 50,000 यूजर है हमारे 50,000 काम कर बेजुकाम बेरोजगारी छोड़ लगे चार पिस्ता दे ठीक है मैं तो खुद चाहूँगी मैं काम इतना लो जितना आप मजदूरी उतना पैसा मैं खुद पता है तो नहीं होगा मैं किसी भी राजे महाराजा का जा रहा हूँ 50,000 जितना है सरकार जब हमारे उतना दे नहीं हो जाएगा किसी के पैर ना पकड़ो मैंने मैं छोड़ 20,000 की बजाय ना मैं तो 5,000 में करने वाला कि भाई आप भी शाने हो अगर वो 20,000 की बजाय 5,000 में ला अगर उतने बढ़िया काम करो उसका बढ़िया काम करो तो 20,000 लाख रखा कटेगा सर जो उसने 5,000 में मिला है तो ये तो अपने आप लोग भी आज आवाज उठाओ हम तो बैठे हैं आप भी सहयोग करो क्योंकि महाराज इतना बैठे काम नहीं लगा प्रधान जी एक मिनट रुको बैठे हो उन्होंने तैयारी करने लग रहा और 5,000 मिनट पर छिड़ छिड़ कर लेने लग रहा है वहां भी अपने हैं थोड़ा यहाँ भी रखो भाई ना हट जा उनको सेट करो अगर जो नगर परिषद की जरूरत है और कर्मचारी रखने की कैपेसिटी है जो भी उनकी बनता है तो और फिर इसमें तो कुछ कहने वाली बात ही नहीं है हरियाणा सरकार का एक लेटर है ठेकेदारों के नाम और नगर परिषद के नाम वे जो कर्मचारी पहले काम कर रहे हैं सबसे पहले प्रायोरिटी उनको रहेगी और तो लगा ही नहीं सकता ठेकेदार है बिल्कुल है सरकार का लेटर है ये तो ठेकेदार लगा अगर वो लगा हुआ है ठेकेदार कर्मचारी नहीं बदल हमने कहने की जरूरत नहीं कर्मचारी जी एक बार टेंडर हो तो ये मैं आपने लग रहा हूं कोई बंदा किसी का नहीं हटा आपका हिसाब किताब जो तनख्वाह मिले एक बार ये लागू जो इतने और आगने अपने प्रवृत्ति करो ये मैं खुद आपके बीच में आऊँगा कोई बंदा किसी को किसी का रोजगार नहीं छोड़ना चाहिए इसके लिए आपका धन्यवाद रहेगा मैं आपकी लड़ाई लड़ूंगा पूरी
कहीं भी लेगा चावल कुएं बुला लो। ठीक है हम आपके साथ हैं। भाई आपका मैंने ये कुछ कहता गया था तो कोई अपना ही नहीं बात की हस्ती से हां जी लगा टीम 6000 रुपए पे लगा बात आपका विदाई जी आप हमारे विधायक हो और हम आपकी जनता हैं आपसे लड़ाई ना आपको आपका पूरा हक है ठीक है जी जो आपका पूरा कहने का है नहीं लड़ाई कहां करेंगे हम जाके देखो नहीं आप मेरे को कहोगे अच्छा कहे चाहे बुरा कहे सब दूसरे तो मर गए ना बिल्कुल जी बिल्कुल लगा देगा दूसरे तो होगा मैं दूसरे तो लगा दूंगा ही बात कर भाई दूसरे से जी कोर्ट मांगना होगा फिर बतावा ना उसको ले जी धन्यवाद बीच में दे दो क्या मुश्किल का पुकार कर सका समाज ठीक है ये भाई साहब तो राम जावे भाई साहब तो सुनाई नहीं करते मैं तो मुंह का खा अरे यो रे काले काले मैं ना हूं भाई 24 घंटे कोई बात नहीं भाई बताओ भाई यह बात ठीक है आपसे मिलते रहेंगे बिल्कुल जी मिलते ही रहोगे मैं आऊंगा हम खुद आओगे भाई साथियों बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ भाई बैठ जाओ बैठ जाओ जो 2018 में ताल थी सुन ले भाई सुन ले भाई सुनो महाराज 2018 में जो 16 दिन हड़ताल डाली थी प्रधान जी उसके पैसे बोल गए थे 50,000 रुपये वो आज हड़ताल में दे दिए प्रधान जी ने दो नारे लगाए दो भाई उसके ठीक है रामलाल जिंदाबाद 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 रामलाल भाई जिंदाबाद 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 साथियों विधायक साहब ने आपको आश्वासन दिया सबके बीच में जब भी ठेका आप एक हफ्ते के अंदर अंदर तो आपकी ठेकेदारी का जो मैटर हो जाएगा यू क्लियर कर हो जाएगा और उस दौरान जितने भी कर्मचारी लागेंगे जो दरीबे बैठे हुए पहले लागेंगे ये आश्वासन दिया है एमएलए साहब ने क्यों सर ऐसा ही हाँ जी अरे एक हफ्ता विधायक साहब ने कहा भाई पल्ला यहाँ लागेंगे बाद में किसी और की जरूरत पड़े तो लागेंगे तो इसके लिए भी हम विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं वो हमारे बीच में आए लेट से आए उनकी कुछ मजबूरियां थी करे उन्होंने स्पष्टीकरण दिया इसके बारे में तो दोबारा फिर हम तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं उन्होंने हमारी बात सुनकर ठीक है 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 नगर परिषद की कुछ और सफाई करने जो आवश्यकता पड़ती है उसके बाद 40 दिन से बैठे हुए हैं उन्होंने कहा था भाई ये विधायक जी एक बार भी नहीं आए वैसे प्रार्थना में सिर्फ आया हूँ आज पहले बार आते हुए इनके पंच में आया हूँ स्वास्थ्य ठीक है।